श्री चैतन्य परिवार की तरफ से आप सभी को फिर एक बार नमस्कार। मैं हुस्ना हिंदी विभाग से। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? बच्चों, पार्ट एक पढ़े थे ना, याद है आपको? हाँ, सुबह सुबह पार्ट पढ़े थे ना, एक छोटी सी कविता थी ना, आप सभी पढ़े घर पे? तो ठीक है बच्चों, आज देखते हैं पार्ट दो। पार्ट दो एक छोटी सी कहानी है बच्चों। बच्चों तो आप बताइए मुझे, यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रही हूँ मैं, और इसमें कौन कौन से जानवर हैं आपको बताना है। आप पहचानेंगे इन जानवरों को? तो चलिए देखते हैं ये कौन से जानवर हैं, बताइए बच्चों। तो देखिए बच्चों, कौन सा है? सही, भालू, हाथी, हिरन। सही बोल रहे हैं बच्चे आप सब। और एक कौन सा है बताइए बच्चों? शेर। बहुत अच्छा। तो ये क्या है? कई जानवर है। तो एक और मैं दिखा रही हूँ पिक्चर, आपको बताना है वो क्या पिक्चर है। ठीक है बच्चों? बच्चों आपको पहचानना है ये कौन सा चित्र है? सही, बंदर। देखिए कई बंदर है ना बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है बंदर। हाँ, मंकी, करेक्ट। तो ये क्या है बच्चों? बंदर। तो आज हमारे पाठ से संबंधित ये चित्र है, तो ये है बंदर। आज हम बंदर की कहानी सुनेंगे। तो ये देखिए, एक और चित्र मैं दिखाने वाली हूँ आपको। ये देखिए बच्चों, ये क्या है? रंग बिरंगे टोपी। देखिए बच्चों, टोपी कितने अच्छे खूबसूरत टोपी है ना बच्चों। आपको भी टोपी पसंद है ना? टोपी हम कब पहनते हैं? ज्यादा धूप और बारिश होती है तो हम टोपी पहनते हैं। तो ये रंग बिरंगे टोपियां। तो आज हमारा पाठ का नाम है नकलची बंदर। तो देखिए बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमारा पार्ट दो। पार्ट दो क्या है बच्चों? नकलची बंदर। बच्चों इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? बंदर, हाँ सही, बंदर, और एक आदमी लेटा हुआ है पेड़ की छाया में। छाया के नीचे क्या कर रहा है वो आदमी? लेटा हुआ है। ये आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों? तो देखिए आगे बच्चों, हमारा पार्ट दो क्या है? नकलची बंदर। मैं अभी आप पाठ पढ़ने वाली हूँ बच्चों, आप सभी को ध्यान से पाठ को देखना है। ठीक है बच्चों, आप सुनने की कोशिश कीजिएगा। पाठ दो, नकलची बंदर। एक टोपी वाला था, वह टोपियाँ बेचने जा रहा था। धूप में चलते चलते वह थक गया। आराम करने के लिए वह एक पेड़ के नीचे सो गया। पेड़ पर कुछ बंदर बैठे थे। बंदरों ने टोपी वाले के सिर पर टोपी है। तो बच्चों मैं ये आपको समझाती हूँ बच्चों। एक टोपी वाला है, फेरी वाला। टोपी फेरी वाला मतलब उसका कोई दुकान नहीं है बच्चों। वो टोपियाँ लेके क्या करता है? गली गली में घूमता फिरता है। टोपी वाला आया है, टोपी वाला, आपको टोपी चाहिए, ले लीजिए, इस तरह से आवाज़ें देता है। तो इसको बोलते हैं फेरी वाला। तो टोपी वाला क्या कर रहा था? पूरे गलियों में घूम घूम कर टोपियाँ बेच रहा था, और वह थक गया, बहुत ही थक गया। थक गया तो वो क्या किया? एक पेड़ देखा, और पेड़ के नीचे जाकर वह क्या किया? सो गया। उसको नींद आ गया तो सो गया। अब सोने पर क्या हुआ? वहाँ पे पेड़ पर कौन थे बच्चों? बहुत सारे बंदर थे। मैंने आपको दिखाया ना बंदर की तस्वीर, बहुत सारे बंदर थे। बंदरों ने देखा कि टोपी वाला लेटा हुआ है, और उसके सिर पे क्या है बच्चों? टोपी है। बच्चे देखिए अगले पेज में क्या है। यहाँ पे टोपी वाला जागा हुआ है, और बंदर क्या कर रहे हैं? टोपियाँ उठा के पहन रहे हैं। तो अभी मैं पेज टू पढ़ रही हूँ, सो आप सभी ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। और उसके थैले में भी टोपियाँ हैं। बंदर पेड़ से नीचे आए, उन्होंने थैले से टोपियाँ निकाली। सबने एक एक टोपी पहन ली। थोड़ी देर में टोपी वाला जागा। उसने देखा उसके थैले में टोपियाँ नहीं हैं। अरे, मेरी टोपियाँ कहाँ गई? वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसने ऊपर देखा, पेड़ पर बंदर टोपियां पहने बैठे थे। अगला पेज बच्चों, वह बंदरों को लाठी से डराने लगा। बंदर भी खो खो करके उसे डराने लगे। तंग आकर उसने अपनी टोपी सिर से उतार कर नीचे फेंक दी।
बोला ले, यह भी ले लो। लेकिन वह क्या, बंदरों ने भी टोपी वाले की नकल की, उन्होंने भी अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। टोपी वाला खुश हो गया, उसने सब टोपियां थैली में रखी और वहां से चला गया। तो आइए बच्चों, मैं आपको समझाती हूँ। जब टोपी वाला सो रहा था तो बंदरों ने क्या देखा, टोपी वाला गहरी नींद में सो रहा है और उसके पास एक थैला है। थैले में क्या है बच्चों, रंग बिरंगे टोपियां हैं। और उन्होंने बंदरों ने नीचे उतरकर एक एक करके एक एक टोपी अपने सर पर लगा के पूरे टोपियां लेकर पेड़ चढ़ गए। तो क्या हुआ बच्चों, जब टोपी वाला जागा तो वो एकदम से दंग रह गया कि उसकी टोपियां कहाँ गई। और वह क्या किया, ऐसा ढूंढने लगा, अरे मेरी टोपियां क्या हो गई, इधर इधर उधर ढूंढने लगा। और उसकी नज़र ऊपर पेड़ की ओर चली गई, तो वह क्या देखता है, सारे बंदर उसकी टोपियां लेकर ऊपर पेड़ पर चढ़ गए। तो क्या होता है बच्चों, वह परेशान हो जाता है और वह टोपियां लेने का कोशिश करता है। वह क्या करता है, एक उसके पास एक डंडा, डंडा मतलब मालूम है ना बच्चों, एक लकड़ी, लकड़ी लेके बंदरों को डराने की कोशिश, ए ए ए ऐसा डराने की कोशिश कर रहा था। कौन कर रहा था बच्चों, टोपी वाला ऐसा ऐसा बंदरों को डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बंदर क्या कर रहे थे, वो भी इसको डरा रहे थे, कैसा खोखो बंदर, वो भी ऐसे ही डरा रहे थे टोपी वाले को। टोपी वाला बेचारा परेशान हो गया, परेशान होकर वो क्या किया, वह अपनी टोपी ऐसे निकाला और बोला ये भी उतार के फेंक दिया, बोले इसको भी लेके जाओ, ऐसा बंद ऐसा टोपी वाले ने कहा। टोपी वाला परेशान होकर क्या किया बच्चों, वो अपनी टोपी निकाल के ऐसा फेंक दिया। फेंकते ही फेंक के क्या बोला, इसे भी ले लो। तो बंदरों ने क्या किया, वो भी टोपी वाला का नकल कर दिए। क्या करे, वो अपनी अपनी टोपियां सर से निकाल के नीचे फेंक दिए। तुरंत बंदर टोपी वाला क्या किया, सारे टोपियां इकट्ठा कर ली और अपनी झोली में डाल लिए और खुशी खुशी वहां से चल पड़ा। तो आपको अच्छी लगी बच्चों कहानी, बच्चों आपको क्या सीख मिला इस कहानी से बच्चों, सही हमें बुद्धि का इस्तेमाल करनी चाहिए, कभी भी बेवकूफ़ी नहीं करनी है, ठीक है बच्चों, नकल नहीं करनी है। यहाँ बंदरों ने क्या किया, टोपी वाला का नकल करे और सारे टोपियाँ वापस टोपी वाले को दे दिए। तो इसीलिए हमें समय आने पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अच्छी लगी बच्चों कहानी, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो चलिए बच्चों, आज इस पाठ से संबंधित नए शब्द पढ़ते हैं। आप सब तैयार है बच्चों, मेरे साथ आप भी आवाज से पढ़िएगा। चलिए, थैले थैले, टोपियां टोपियां, धूप धूप, इधर उधर इधर उधर, पेड़ पेड़, खो खो, लाठी लाठी, टोपी वाला। तो ये है हमारे नए शब्द। तो आइए बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं शब्दार्थ। आप सब तैयार है बच्चों, चलिए मेरे साथ पढ़िएगा शब्दार्थ। शब्दार्थ, टोपी, सिर पर पहनने का वस्त्र, यानी कि अंग्रेजी में कैप। टोपी, सिर पर पहनने का वस्त्र, कैप। इधर उधर, यहाँ वहाँ, इधर तिधर, इंग्लिश में यहाँ वहाँ, इधर इधर। थैला झोला बैग, थैला झोला बैग। लाठी मजबूत लकड़ी, स्टिक। लाठी मजबूत लकड़ी, स्टिक। धूप सूरज की रोशनी, सनलाइट। धूप सूरज की रोशनी, सनलाइट। तो ये थे हमारे शब्दार्थ बच्चों। आगे हम पढ़ते हैं एक वचन बहुवचन, एक और बहुत। मेरे साथ बोलिए बच्चों, एक बहुत। टोपी टोपियां, लाठी लाठियां,
थैला थैले, पौधा पौधे, पेड़ पेड़, बंदर बंदर। मैं फिर एक बार बोलती हूँ बच्चों, टोपी टोपियाँ, लाठी लाठियाँ, थैला थैले, पौधा पौधे, पेड़ पेड़, बंदर बंदर। ये थे हमारे एक और बहुत। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला अभ्यास का। तो आप सब तैयार हैं बच्चों? चलिए मेरे साथ ये अभ्यास का करने की कोशिश कीजिए बच्चों। चलिए, सही शब्द रूप पर सही कर चिन्ह लगाइए। आपको जो शब्द सही लगता है उस पर आपको एक टिक मार्क लगाना है। देखिए ऊपर एक लगा हुआ है, यहाँ पे कौन सा है बच्चों? टोपी आ, टोपियाँ, टोपियाँ, टोपिए। तो कौन सा है बच्चों? तीसरा टोपियाँ, ये शब्द सही है। तो यहाँ पे एक टिक लगा हुआ है, सही है। तो आप दूसरा देखते हैं बेटा, थैले थेले थैलाई थैलाई। कौन सा शब्द सही है बच्चों? पहला वाला, कौन सा? थैले, ये शब्द सही है, उस पर आपको सही का टिक लगाना है। तीसरा, पहन पहने पहन पहने, कौन सा सही है बच्चों? तीसरा, पहन, तीसरा पहन, वो सही है। चौथा देखिए बच्चों, आराम आराम आरम आरम, इसमें कौन सा सही शब्द है बच्चों? सही, पहला वाला, आराम। पहला वाला क्या है बच्चों? आराम, ये सही शब्द है। लास्ट वन देखिए बच्चों, ला टिया ला टी ए ला टिया ला ठिया, तो कौन सा शब्द सही है बच्चों? आखिरी वाला, ला ठियास, छोटी की मात्रा, छठा में छोटी की मात्रा आती है, तो वो शब्द सही है, ला ठिया। तो देखिए बच्चों, आपके लिए मैंने एक बना हुआ चित्र भी लगाया है, ये देख लीजिए बच्चों, ये सही उत्तर है। हमारा अगला अभ्यास है बच्चों, देखिए यहाँ पे सही उत्तर चुनिए, हमें सही उत्तर चुनकर वहां पे निशान लगाना है। तो चलिए बच्चों मेरे साथ, आप लोग भी तैयार हैं बच्चों? तो ये देखिए बच्चों, सही उत्तर चुने। पहला वाला है, टोपी वाले के थैले में क्या था? क्या था बच्चों टोपी वाले के थैले में? फल, टोपियां, टॉफियां। कौन से? सही, टोपियां, टोपियां सही उत्तर। टोपी वाले के थैले में क्या थे बच्चों? टोपियां, टोपियां, यहाँ पे सही उत्तर। दूसरा वाला देखिए बेटा, खा, टोपी वाला कहाँ सो गया? टोपी वाला सो गया था ना बेटा, कहाँ पे सो गया था? देखिए, पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर, पेड़ के पीछे। कौन सा सही है बच्चों? पेड़ के नीचे, सही उत्तर। वह कहाँ सोया था बच्चों? पेड़ के बिल्कुल नीचे सोया था, तो पहला वाला सही है, पेड़ के नीचे। आइए ग, टोपी वाले ने बंदरों को किससे डराया? टोपी वाला डरा रहा था ना बंदरों को, क्योंकि वह सब उसके टोपियां लेके चले गए थे, तो किससे डरा रहा था बच्चों? देखिए, पत्थर से, ऊंची आवाज से, लाठी से। तो कौन सा सही उत्तर है बच्चों? वेरी गुड, लाठी, बहुत अच्छा बच्चों, आपको यह पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो सही उत्तर है लाठी से। तो देखिए बच्चों, मैं आपके लिए सही उत्तर निशान लगाकर दिखा रही हूँ, आप सभी देखिए बच्चों। तो बच्चे, यहाँ पे एक और छोटा सा अभ्यास है बच्चों, वो क्या है? गिनती, हमें 1 से 10 तक तो गिनती आती है, तो यहाँ पे हमारी गिनती है 11 से 20 तक। तो हम सीखेंगे आज गिनती बच्चों, मेरे साथ आप भी बोलिए, 1 और 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, 2 0 20। तो हम गिनती भी आज सीख लिए बच्चों, आगे हम क्या करेंगे? आपका गृह कार्य। तो बच्चों, मैंने आपको कई रंग बिरंगी की टोपियां तो दिखाई थी ना, फिर एक बार मैं वो स्लाइड दिखाती हूँ बच्चों, आपको भी ऐसे ही सुंदर सुंदर टोपियों के चित्र बनाने हैं गृह कार्य में, और नए शब्द को पढ़ने हैं,
और कॉपियों में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी ना बच्चों? तो हम अगली कक्षा में एक और पाठ से आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय।